नमस्कार दोस्तों, बिना डाउनलोड किए हुए फ्लिपकार्ट को कैसे यूज करेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ मेरा फ्लिपकार्ट है, इसको डाउनलोड नहीं करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे यूज करेंगे इसको बिना डाउनलोड किए हुए। तो चलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सिंपल सा आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बटन में जाना है और यहाँ क्लिक करना है और इस पर सर्च करना है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट करने के बाद आपको यहाँ ऐसा इंटरफेस आएगा, फ्लिपकार्ट का लोगो आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन वॉगिन हो जाना है और यहाँ आप कुछ भी सर्च करके मंगा सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए बिना डाउनलोड किए हुए फ्लिपकार्ट को यूज कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, मोबाइल को ऑर्डर कर सकते हैं, आपका घर तक आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, मैं ऑर्डर किया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और माई ऑर्डर पर जाना है। माई ऑर्डर पर जाने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है और देख ही सकते हैं कि मैं मोबाइल ऑर्डर किए थे और बहुत सारा चीज़ ऑर्डर किए थे, तो सेम है फ्लिपकार्ट ऐप की तरह। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, क्रोम पर आके आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। तो आपका ऐप का जगह भी बच जाएगा और मोबाइल हैंग भी नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय।